हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज़ राजू सिंह। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे किसकी? ऑक्सीडेशन की। हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, ठीक है? हमने देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। आज हम इफेक्ट पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है हमारी एवरीडे लाइफ में, ठीक है? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लिखता हूँ, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो हमारी एवरीडे लाइफ में जो इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, वो क्या होता है उसे हम देखते हैं। तो देखो, दो तरह के इफेक्ट यहां पे होते हैं, ठीक है? फर्स्ट है हमारा कोरोजन, कोरोजन ऑफ मेटल्स। पहला तो मेटल्स में कोरोजन होना, दूसरा दूसरा है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी इन फूड, रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो देखो, जो ऑक्सीडेशन की वजह से, मतलब कोई भी हमारा सब्सटेंस क्या होता है जब ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो तरह के इफेक्ट हम देखेंगे। फर्स्ट जो इफेक्ट है हमारा मेटल, जब मेटल क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है अगर मेटल का, ठीक है, मींस अगर वो ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है वो, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल आपका क्या क्या होता है, कोरोड हो जाता है, ठीक है? इसके बारे में अभी हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारा फूड होता है, खाना जो है हमारा, अगर हम उसको ओपन एटमोसफेयर में छोड़ दें तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर क्या हो जाता है, खाना हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है? तो इन दोनों के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी? कोरोजन की। तो फर्स्ट मैं लिखता हूं कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन, कोरोजन की डिफाइन करते हैं। पहले तो हम डिफाइन लेते हैं क्या होता है कोरोजन। इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल। केमिकल से क्या होता है, ये रिएक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑन देयर सरफेस। देखो, जब हम कोरोजन की बात करते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, द प्रोसेस प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप, ठीक है? जो मेटल होता है आपका, जो मेटल होता है ये आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल। मतलब अगर क्या होता है, आपका कोई मेटल है, ठीक है, वो अगर एटमॉस्फेयर में रहता है तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है हमारी, ठीक है, और भी गैसेस होती हैं, प्लस वहाँ पर मॉइस्चर भी होता है, वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में। उसके बाद अगर ये किसी केमिकल के क्या होता है, कांटेक्ट में आते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें जंग लग जाता है, कोरोड हो जाते हैं ये मेटल, ठीक है? तो आपने देखा होगा कई सारे जो मेटल्स होते हैं, अगर हम उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, ठीक है, तो उसमें कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनमें कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन कैसे होता है, कोरोजन डिपेंड करेगा किस पे, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो हमारे मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है, प्लस मॉइस्चर जो होता है ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो हमारा कोई भी जो मेटल होता है वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, क्लियर है? तो कोरोजन होने के बहुत सारे मेटल जो होते हैं आपके, कोरोड होते हैं, जैसे कॉपर हो गया आपका, ठीक है, आयरन हो गया, तो बहुत से ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, जो मेटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल। आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन।
कह रहा है कि जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा जब लोहे पे जंग लग जाता है आपका, ठीक है, आयरन पे क्या होता है जब भी आयरन कोरोड हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, वैसे हम सभी मेटल के लिए कोरोजन वर्ड यूज करते हैं, बट जब आयरन क्या होता है आपका, जब आयरन क्या होगा, कोरोड होगा, तो आयरन के जब केस में हम क्या करते हैं, रस्टिंग वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, रस्टिंग वर्ड का जो यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल। ठीक है, वैसे हम कोरोजन वर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्ड रस्टिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है, जैसे आपका आयरन जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एट वाटर या फिर मॉइस्चर हम कह सकते हैं XH2O। ठीक है, पता नहीं है हमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो हम क्या लिखते हैं, XH2O, तो Fe2O3 XH2O। तो ये हमारी रिएक्शन है किसकी, कोरोजन की। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, इसको बैलेंस भी करेंगे हम, यहाँ पे इसे बैलेंस कर देंगे। तो कभी भी आपको कभी कभी एग्जाम में रिएक्शन भी आ जाती है कि जो आप रस्टिंग ऑफ आयरन की आप इक्वेशन लिखो, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी जिसमें आपका आयरन जो हो रहा है, देखो कोरोजन तभी होगा या फिर रस्टिंग तभी होगा जब आपका ऑक्सीजन भी और वाटर मॉलिक्यूल दोनों होंगे, तभी आपका रस्टिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका O2 क्या करेगा, जब आयरन से रिएक्ट करेगा प्लस वाटर वेपर, एक्स वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी हमें क्लियर नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, एटमोसफेयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा बनेगा Fe2O3 XH2O। ठीक है, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन की वैलेंसी आपकी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो क्या बनाएगा ये Fe2O3, और इसके साथ XH2O क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी, इनके नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया आपका आयरन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये हो गया आपका वाटर वेपर या फिर वाटर भी कह सकते हो आप इसे, और ये हो गया आपका हाइड्रेटेड आयरन। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑक्साइड भी हम लिखते हैं, ये 3 लिखा है मैंने। ठीक है, हाइड्रेटेड 3 ऑक्साइड, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रेटेड 3 ऑक्साइड। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन है, इसका नाम लिखना है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि कोई भी जो हमारा मेटल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, जब ये ऑक्सीजन की के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, या फिर कोई दूसरे मेटल आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा रेंसिडिटी क्या होता है। देखो, रेंसिडिटी जो वर्ड यूज किया गया है, ये फूड के लिए किया गया है। अगर आपने देखा होगा, कभी कभी हम हमारा जो खाना होता है, ठीक है, जो हमारा फूड है, अगर हम उसको ओपनली छोड़ देते हैं, ठीक है, हम उसे फ्रिज में नहीं रखते, ठीक है, हम उसे अपने किचन में छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं, जैसे मान लो आपने रात को छोड़ा तो सुबह तक जो आपका खाना है वो खराब हो जाता है। तो वो किस वजह से हो जाता है, क्योंकि जो आपका फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट होकर क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज होने पे जो हमारा फूड है, जिसमें मोस्टली जो फैट कंटेनिंग फूड होते हैं वो आपके जल्दी क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इस वजह से जो आपके फैट कंटेनिंग फूड होते हैं वो जल्दी खराब होते हैं। तो एक बार रेंसिडिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं, तो आपका जो रेंसिडिटी हो जाएगा, ठीक है, द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल अनप्लीजेंट
अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है, अगर एंड टेस्ट, आर सेड टू हैव बिकम रेंसिड. देखो जो हमारे फैट कंटेनिंग, जो हमारा फैट कंटेनिंग फूड, फैट हो गया, ऑयल हो गया जिस फूड में, मटेरियल विच गिव अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, इनका ये खराब होने पर क्या हो जाता है, इनका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, ठीक है, और टेस्ट भी इनका खराब हो जाता है. आर सेड टू हैव बिकम रेंसिड. तो हमारा कोई भी जो फूड है, ठीक है, जिसमें फैट और ऑयल है, तो ये क्या होता है, जब ये एटमोसफेयर में हम ओपनली इनको छोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है, ये इजिली क्या होता है, हो जाते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने पे क्या हो जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि जो हमारे फूड है कंटेनिंग, जो आपके फैट जो है आपके, ठीक है, तो किसी भी आपके फूड में जो फैट होगा, ऑयल होगा, तो वो क्या होता है, वो जल्दी क्या हो जाते हैं आपके, खराब हो जाते हैं. अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो हमारी रेंसिडिटी है इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, मतलब इसको रोक कैसे सकते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जो भी आपका फूड जो होता है, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, फ्रिज में रख देते हो. ठीक है, तो आपको पता है कि फ्रिज में क्यों रखते हो, ताकि वो खराब होने से बच जाए. ठीक है, तो इस वजह से हम, ये कुछ तरीके हैं हमारे जिससे हम क्या करते हैं, अब जो हमारा फूड है उसे हम क्या करते हैं, खराब होने से बचाते हैं. तो हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे अब जिनमें हमारे जो फूड है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड ठीक है, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं फॉलोइंग वेज. ठीक है, तो इसको हम प्रिवेंट करने के कुछ तरीके हैं. फर्स्ट हम देखते हैं कि जो रेंसिडिटी होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस. देखो आपने क्या होगा, आपने अक्सर कुछ जो होते हैं, आपने बाजार से कुछ आपके चिप्स खाए होंगे, ठीक है, या कुरकुरे आपने खाए होंगे, तो ये जो चिप्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो भी आपके फैट कंटेनिंग जो आपका फूड है, तो इसमें क्या होता है, आपका गैस होती है, और ये जो कौन सी गैस होती है, ये हमारी गैस होती है नाइट्रोजन गैस, ध्यान रखना है. ठीक है, जो भी आप अपने बाजार से खरीद के आप चिप्स खाते हो, या कोई भी जिसमें गैस होती है, ठीक है, जो गैस होती है वो ध्यान रखना है, वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है. अब नाइट्रोजन गैस को क्यों लेते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा फूड है वो खराब किस वजह से होता है, वो खराब होता है ऑक्सीडाइज होने से. ठीक है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो खराब हो जाता है. ऑक्सीडाइज किस वजह से होगा, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाए. तो यहाँ पर जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है, ये हमारा जो फूड है, ठीक है, हम जो कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के लिए. ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देती वो, तो जिस वजह से क्या होता है, हमारे जो भी फूड होता है उसके अंदर वो क्या होता है, वो प्रिवेंट हो जाता है ऑक्सीडाइज होने से. ठीक है, ऑक्सीडाइज होने से नाइट्रोजन क्या करता है, इसको रोकता है. नेक्स्ट है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड
कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर. ठीक है, रेंसिडिटी को हम क्या कर सकते हैं, हम रेंसिडिटी को रिटार्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, किस बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर. हम अपने खाने को क्या करते हैं, अगर फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो उससे क्या होता है, जो फ्रिज में जब हम अपने जो फूड को रखते हैं तो इस पर बैक्टीरिया क्या होता है, उस पर एक्ट नहीं कर पाते उस टेम्परेचर पे. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बैक्टीरिया जल्दी उस पर एक्ट कर जाएंगे, वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. बट जब फूड हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर पाते और ना ही इसमें ऑक्सीडेशन हो पाता जल्दी. तो इस वजह से कभी भी आपने नोट किया होगा, अगर आप समर्स में देखते हो, आपका जो खाना है अगर आप रात को खाना छोड़ दो तो वो सुबह तक खराब हो जाता है. ठीक है, बट जो हम जब विंटर्स की बात करते हैं तो विंटर्स में आपने देखा होगा, अगर आपको रात को कोई अपना खाना छोड़ते हो तो वो सुबह तक ज़्यादातर केसेस में ख़राब नहीं होते. ठीक है, क्यों, क्योंकि जब विंटर्स में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो टेम्परेचर कम होता है तो बैक्टीरिया उस टाइम पे क्या होता है, एक्ट नहीं कर पाते. तो एक्ट नहीं कर पाते जिस वजह से क्या होता है, वहाँ पर रेंसिडिटी जो होती है वो रुक जाती है. नेक्स्ट है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर. ठीक है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर. अगर हम अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, फ्रिज नहीं हुआ करते थे, रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जो अपने खाने को क्या करते थे, एयर टाइट कंटेनर में रखते थे, मतलब एयर उसमें एंटर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर उसमें एयर एंटर होगी तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे आपके, और वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे. तो अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि अपने जो भी हमारा फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, बंद करके रखें अच्छे से, ताकि उसमें गैस ना जा पाए. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. तो ये कुछ मेथड थे जिसमें हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं. तो आज हमने देखा कि हम ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं. ठीक है, उसमें मेटल जो होते हैं हमारे कोरोड हो जाते हैं, और जो हमारा फूड होता है उसमें क्या होता है, रेंसिडिटी आती है. ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय.